ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से परेशान एक शख्स हमारे पास आए थे और उन्हें परेशानी ये थी कि उन्हें ऐसी आदत थी कि जब भी कोई पैकेट आता है घर में या वो खरीदते हैं तो वो बार बार उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते थे कि कहीं ये पैकेट एक्सपायर्ड तो नहीं है, कहीं मैं इसे खा जाऊं गलती से और ये एक्सपायर्ड हो और मुझे कुछ हो जाए या मेरे किसी फैमिली मेंबर्स को कुछ हो जाए। तो ये देखते देखते उन्हें कई वर्ष हो चुके थे और बार बार ऐसी हैबिट पड़ चुकी थी कि एक एक पैकेट को वो लेकर बार बार देखते थे। ऐसा नहीं कि आम लोग क्या करते हैं कि एक बार किसी पैकेट को लिया, एक्सपायरी डेट चेक की कि हाँ ठीक है सब, और फिर अपना और किसी काम में लग जाते हैं, उसे खाना होता है तो खा लेते हैं। बट इनके साथ ये कंपल्शन थी कि वो बार बार उसकी डेट्स चेक करते थे कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, ईयर तो सही देखा कि नहीं देखा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। तो ये सोच सोच कर ऐसे थॉट्स आते थे उनको और वो बार 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 वही पैकेट को पलट पलट कर देखते रहते थे। तो दोस्तों, ओसीडी में अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी ना किसी चीज के लिए कोई कंपल्शन पैदा कर लेते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे अगर मैंने ये एक्शन नहीं लिया तो मुझे कुछ हो जाएगा या कोई इशू आ जाएगा मेरे साथ या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ, और आप उसे देखकर डरने लगते हैं, बार बार ऐसा करते हैं और फिर वो डर स्ट्रांग होता चला जाता है। तो जैसे कि नाम इसका बता रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आप किसी थॉट को लेते हैं और उसके प्रति आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आपको कोई ना कोई कंपल्सिव एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो बार बार हाथ धोते हैं, कि दिन में वो 50-50 बार हाथ धो लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने एक बार हाथ धोए तो नहीं यार, अभी जम्स रह गए हैं शायद, मुझे और अच्छे से धोने चाहिए, और ऐसा सोच सोच कर वो कम से कम 8-10 बार एक बारी में ही हाथ धो लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता रहता है कि कोई ना कोई जम्स बचे हैं, इससे या तो मैं बीमार हो जाऊंगा अगर ये जम्स मेरे अंदर चले गए, या मैं कहीं टच करूंगा तो मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये सोच सोच कर वो बार बार हाथ धोते रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो बार बार नहाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी बॉडी अभी साफ नहीं हुई है, मुझे और अच्छे से नहाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो आधे एक घंटे तक लगातार नहाते रहते हैं और दिन में कई कई बार भी नहाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना वो परेशानी में है जब एक ही प्रक्रिया को वो बार 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 कर रहे हैं। सो अब आप ध्यान रखिए कि जो ये ओसीडी है, ये आपको अगर परेशान कर रही है तो आपको इसे कैसे हैंडल करना है, आज हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो ये सिर्फ, जैसा मैंने आपको कहा कि सिर्फ सफाई को लेकर ही नहीं होती या सिर्फ एक्सपायरी डेट को चेक करने की नहीं होती, ये किसी और चीज के बारे में भी आ सकती है। जैसे कि कई लोग सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं, बार बार तालों को खींच खींच कर देखते हैं, गाड़ी को बार बार चेक करते हैं कि मैंने ठीक से लॉक किया कि नहीं लॉक किया। ये आपके रिलीजियस थॉट्स के बारे में भी चल सकती है, किसी सेक्सुअल थॉट्स को लेकर भी ये आ सकती है, और बहुत सारे थॉट्स वाली जो इंसान होते हैं जो बार बार कहते हैं कि सर मुझे थॉट्स बहुत परेशान कर रहे हैं, वो ओसीडी ऑफ थॉट्स भी आप मान सकते हैं। ठीक है, सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी थॉट रिलेटेड है और उस थॉट के कारण आप एक कंपल्सिव एक्शन लेते हैं। सो अब आपको जो काम करना स्टार्ट करना है वो है सबसे पहले इस थॉट पर कि मुझे क्या थॉट आता है। ओके, जैसे इन शख्स को था कि जब भी ये पैकेट को देखते थे, नया पैकेट या खरीदा या इन्होंने देखा कि घर में रखा हुआ है, तो ये झट से इन्हें एक ट्रिगर जाता था कि इसकी एक्सपायरी तो नहीं हो गई है, इसकी एक्सपायरी डेट जरा चेक कर लेता हूं। तो ये एक्सपायरी डेट चेक करते थे, मैं भी रख देते थे। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद इन्हें थॉट चलता था कि नहीं यार, कुछ ऐसा तो नहीं कि तूने गलत ईयर देख लिया हो, कहीं आप जैसे 2023 है तो कहीं आपने इसको गलती से 22 को 23 तो नहीं पढ़ लिया। सो ऐसा थॉट चलता था कि उन्हें फिर से वो कंपल्सिव एक्शन लेने की तरफ दौड़ा देता था कि फिर से चेक करो, नहीं अभी सेटिस्फाई नहीं हुए कि ये कहीं आपने गलत देखा है, अभी भी माइंड ना सेटिस्फाई नहीं होता। तो उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में बार बार वो एक्शन लेते थे कि इसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। तो यही उनके साथ बार बार हो रहा था और यही हो सकता है कि इसी टाइप से आपके साथ भी कुछ हो रहा हो। तो जरा चेक कीजिए कि कहीं आप ऐसे कंपल्सिव एक्शंस तो नहीं ले रहे। अगर ले रहे हो तो सबसे पहले अपने थॉट को पकड़ो कि क्या थॉट चल रहे हैं। जब मुझे ये ट्रिगर उठता है किसी चीज को देखकर या सोचकर, क्या वो थॉट है कि जाओ और से कि एक्सपायरी डेट चेक करो। ये जो थॉट है या फिर जो इससे अगला थॉट है कि नहीं शायद ईयर गलत रह गया, तो उन थॉट्स को देखो
कि जब वो थॉट आते हैं तो क्या कर रहे हैं वो, आपको कैसे वो कंपल्सिव एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो फीलिंग जो आपको आ रही है वो कैसे आ रही है, तो आपको उसे जांचना होगा। और उन्होंने भी ऐसा ही किया कि अपनी जो थॉट्स थे उनके ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स बता रखी हैं, उन्होंने भी कई टेक्निक्स यूज की और अपने थॉट्स पर काम करना शुरू किया। और साइड बाय साइड उन थॉट्स के कारण जो एंजाइटी आती थी कि मान लीजिए उन्होंने नहीं किया वो, तो कैसी फीलिंग्स आने लगती थी कि अगर मैं वो कंपल्सिव एक्शन ना करूं तो कैसी अंदर चलता था कि घबराहट सी होने लगती थी, कि नहीं बेचैन से हो उठते थे कि नहीं कुछ करना चाहिए, चेक करना चाहिए, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो उस गड़बड़ को मिटाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फिर वो एक्शन लेने लगते थे। सो जब ये प्रक्रिया उनके साथ की गई तो उन्हें पता चला कि कैसे ये थॉट परेशान कर रहा है और एंजाइटी लेकर आ रहा है। अब जब ये प्रक्रिया काफी दिनों तक कर ली उन्होंने और उन्हें समझ आ गया, उन्होंने पकड़ बना ली कि यस ये थॉट्स हैं मेरे, इनको ऐसे हैंडल करना है, ये एंजाइटी है, इसे ऐसे हैंडल करना है, और साथ ही गोल्डन रूल को भी पूरा अपने दिमाग में भर लिया कि ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। और फिर तैयारी हुई उनको फेस कराने की कि जो ये डर मुझे आ रहा है, जो ये अनइजीनेस मुझे आती है, आज उसको फेस करने का टाइम आ गया है। सो तब उन्हें एक पैकेट दिया गया कि या कहीं से वो ले आए खरीद कर, और फिर उन्होंने उसे देखा कि एक्सपायरी डेट क्या है, इट वॉज गुड, सो इट वॉज ओके। तो उसके बाद उन्होंने वो पैकेट रख दिया अपने सामने और फिर हमने कहा कि अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सर थॉट आ रहे हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट चेक करो, क्योंकि शायद आपने गलत देख ली है, तो इसको एक बार फिर से चेक कर लो। इनका चेक नहीं करना है, अब आपको एक्सपायरी डेट को दोबारा नहीं चेक करना है, क्योंकि जो कंपल्सिव एक्शन ये माइंड लेने को बोल रहा है अब वो दोबारा रिपीट नहीं करना है। आपने एक बार देख लिया, फैंटास्टिक, अब दोबारा से इसे नहीं देखना है। ओके, वो बैठ गए, थोड़ी देर थॉट्स चलने लगे। मैंने कहा अब इस पैकेट को जरा खोलो और जो भी इसमें है खाइए। वो कहते हैं आर यू श्योर सर? यस डेफिनेटली। तो सर एंजाइटी आएगी? मैं, कोई बात नहीं, फेस इट। उन्होंने वो पैकेट धीरे धीरे खोला और उसमें जो भुजिया थी उसे खाने लगे, और जैसे ही थोड़ी थोड़ी खाने लगे वो थॉट्स और स्ट्रांग हुए और वो फीलिंग्स आने लगी बॉडी पर जो कह रहे थे कि एंजाइटी आती है। सो वो थॉट्स चलने लगे कि एक्सपायर्ड चीज ना हो, कहीं मैं गलत तो नहीं खा रहा, मुझे कुछ हो ना जाए, वो थॉट्स चलने लगे जिसके कारण बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, वो दिखने लग गई और वो बढ़ने लगी। और फिर मैंने उन्हें कहा कि अब एंजाइटी की टेक्निक्स यूज करो ताकि आप इस टेक्निक से अपनी एंजाइटी को हैंडल कर सके। सो उन्होंने वो टेक्निक्स यूज करनी स्टार्ट की, उन्हें टैपिंग ने बहुत हेल्प किया, तो उन्होंने टैपिंग भी की, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स की और कई टेक्निक्स हमने उन्हें बता रखी थी, तो उन्होंने जो भी उनके ऊपर यूज हो सकता था वो उन्होंने किया। और फिर देखा कि यस 10-15 मिनट वो एंजाइटी बढ़ती चली गई, कि अब चली गई और फिर धीरे 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 डाउन आ गई। तो ये 15-20 मिनट का साइकिल उन्हें रहा जो कि उन्हें परेशान करता रहा कि यस कुछ हो ना जाए, कुछ हो रहा है मुझे, कोई बॉडी पे अनवांटेड फीलिंग्स आ रही हैं। वो डरा भी रही थी पहली बार में, आप नहीं वो एकदम से डर निकलता, बट वो कोशिश करते रहे और फिर धीरे 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 जैसे ही वो एंजाइटी डाउन गई वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, उन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया था। अब पहली बार जब उस साइकिल से बिना वो कंपल्सिव एक्शन लिए वो बाहर निकले तो ही वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि यस सर अब लग रहा है कि मैं निकल जाऊंगा इससे, मैं कर जाऊंगा इस पे काम। और फिर वही प्रोसेस उन्होंने नेक्स्ट 7-8-10 दिन किया और फिर उन्होंने देखा कि अब मुझे बिल्कुल नहीं आते वो थॉट्स, अब मेरा वो जो बार बार कंपल्सिव एक्शन होता था वो चला गया है। सो आपको भी यही प्रक्रिया बार बार करनी होगी और अपने इस कंपल्सिव एक्शन को रोकना होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं रुकेगा, ये क्या हो रहा है कि आपका माइंड इस आदत में बन पड़ चुका है कि ये बार बार सोचता है कि मुझे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब ये कंपल्सिव एक्शन ले लिया जाएगा, और ये आपको मजबूर कर देता है, आपकी जैसे जान ही निकाल देता है अगर इसे नहीं करते हो। तो आपको बस उस कंपल्सिव एक्शन को रोकना है, क्योंकि जब वो पहली बार रोकोगे तो बहुत पावर लगेगी, जब दूसरी बार रोकोगे तो थोड़ी शायद कम लगे, तीसरी बार और कम, फिर और कम 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 होती चली जाएगी, एंड यू विल बी फैंटास्टिक।